होगा इनका चैनल है यूट्यूब पे, सो गाइस डू सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, कमेंट में बताएं इनको क्या कंटेंट बनाना चाहिए और किस लाइफस्टाइल, मतलब इनके जो फैशन ब्लॉगिंग है उसको किस तरह और अच्छा कर सकते हैं और क्या टिप्स चाहिए, सो डू सपोर्ट हर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर न्यू ब्लॉग। आज जो है बड़ा ही मज़ा आ रहा है क्योंकि हम आए हुए हैं दावत पे और दावत पे हम आए हैं सीजी रेस्टोरेंट जो के है भाद्राबाद पे, और भाद्राबाद के बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनमें से एक है सीजी। तो इधर हम लोग सब पूरी फैमिली आए हुए माशाल्लाह से और इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी है आप एम्बियंस देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जी मेन्यू डिसाइड करते हैं, तो पूरी बुक आ गई है। इस बुक को पढ़ने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट तो चाहिए डिसाइड करने के लिए। अभी मैं डिसाइड कर लूँ फिर ऑर्डर देते हैं। माशाल्लाह पूरी बुक ही दे दी ना। एक सेकंड, दो सेकंड। आपकी ड्रिंक कौन सी? दवा, पेप्सी। आपकी ड्रिंक? आपकी ड्रिंक स्माइल ऑर्डर कर दी है जी। क्या भाई यहाँ? अच्छा देखते हैं अभी कैसा मेन्यू है। मेन्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब डिसाइड तो कर लिया, खा के चेक होगा। मज़ा तो आ रहा है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और खाने का मैं आपको बाद में बताऊंगी। हेलो इरम। हाय। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। ऑफकोर्स डियर, इतना बिजी शेड्यूल होता है लेकिन अच्छा लगता है फैमिली डिनर पे आना। कभी कभी होता है लेकिन निकालना चाहिए टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऑर्डर हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कम्प्लीट ऑर्डर। इंशाल्लाह अभी सर्विंग होने वाली है। सर्विंग होगी? देखते हैं क्या सर्विंग होगी। नहीं बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह ताला यम्मीस्ट फूड होगा। एम्बियंस भी अच्छा है यहाँ का, अच्छा तो लग रहा है। होपफुली के फूड भी टेस्ट वाइज भी अच्छा हो इंशाल्लाह ताला। सही सही। अभी ऑर्डर में तो बहुत टाइम है और अभी सोच रहे कुछ गपशप कर लेते हैं। मुझे ये तो बताओ कि कितनी दावतें खाली तुमने बकरा ईद की? यार दावतें 3-4 हो गई। अच्छा, कुछ मदीन में हुई है, कुछ जौहर में हुई है, कुछ बेरे टाउन में भी हुई है। अच्छा, और चलो तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पाकिस्तान आकर, वरना तुम अमेरिका जा रहे थे भाई हमें छोड़कर अकेले। क्या करें, ये तुम्हारी मोहब्बत है, मुझे बहुत अच्छा लगता हो जब तुम कहना मानते हो। और अभी वेट हो रहा है खाने का। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर से ही सही लेकिन अच्छा आ जाए बस, है ना भाई। ये है अरवा। अरवा हेलो, सोन परी है, सोन परी। ये है हमारी सोन परी। बेटी है वो पीछे। ये मिली है जी भाई छोटी सी सोन परी से। अरे वाह कैसी हो, ठीक हो? क्या कर रही हो, मज़ा आ रहा है? अच्छा आपने क्या ऑर्डर किया है बताओ तो। सूप? सूप? यू लाइक सूप?
वेरी मच ओ हो वेरी वेरी चोट पड़ी बहुत प्यारी है ओ हो सबसे पहले स्टार्टर आ चुका है ये है चिकन स्ट्रिप्स इसको देखते हैं क्या टेस्ट है इसका लग तो रही है अच्छी सॉस भी बेहतरीन लग रहा है सॉस के साथ फ्राइज बहुत ही यमी हैं बहुत मज़े के मज़े का इस्माइल स्टार्टर तो अच्छा है क्या कहते हो सही है सही क्या मज़े का है मज़े का है महंगी जगह है तो मज़े का ही चले जी स्टार्टर मुझे और इस्माइल को तो समझ में आ गया अच्छा भी लगा है और टेस्टी भी है अब मैं पूछती हूँ अपनी सिस्टर से हाँ भाई तुम्हें कैसा लगा स्टार्टर अच्छा है स्टार्टर तो मजे की है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अब शुरू करते हैं हम अपना स्टार्टर अरे वाह ओह थैंक यू मेरी सोन परी ने मुझे खिलाया मजे क्या भाई स्टार्टर है और क्या है भाई अभी तो खाना आएगा दो दिन से खाना नहीं खाया ये क्या मजाक दो दिन से वैसे तो कह रहे हो कितनी दावत है मैंने खा ली और ये और वो मांग गया बस भाई कितनी ले मेन्यू जो है आ चुका है डिनर और सर्व हो रहा है मटन मगस डिनर जो है सर्व हो चुका है मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर में क्या क्या मंगवाया मैंने मटन सिजलिंग कबाब आ गए हैं ज़बरदस्त और साथ में मटन मगज और साथ ही कढ़ाई भी आ चुकी है मटन कढ़ाई पेशाबी मटन कढ़ाई स्माइल आपने क्या मंगवाया बीफ है स्टेक बीफ स्टेक ज़बरदस्त जूसी अच्छा साथ में ये भी स्टेक माशाल्लाह दानिया आपने क्या मंगवाया है सबसे पहले मैंने मटन कढ़ाई खानी है वो मैंने ले ली है मटन कढ़ाई और साथ में मैंने मगज भी ले लिया मटन मगज ट्राई करती हूँ मैं भी ज़बरदस्त देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है डिनर मैं कर चुकी हूँ और सबने ही डिनर कर लिया है लेकिन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड और मुझे यहाँ का डिनर कोई इतना ख़ास नहीं लगा और चीज़ें तो काफ़ी वैरायटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लेकिन टेस्टलेस जितने स्टेक थे उनमें टेस्ट वगैरह कुछ भी मुझे ज़्यादा ख़ास नहीं लगा सॉस वगैरह पीके और खाना जो है एवरेज है तो बस जिन्होंने विज़िट नहीं किया वो एक दफ़ा आए और विज़िट कर लें यहाँ पर तो उन्हें ख़ुद भी पता चल जाएगा कि कैसा है यहाँ का टेस्ट तो चलें जी
मैंने तो अपनी राय दे दी है, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा यहाँ का खाना, डिनर क्या था, तुम्हें समझ में आया? नहीं यार, फ्रेंडली स्पीकिंग जितना होता मुझे एप्पेटाइजर खा के आया था, नो गाइड का मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूँगी, बट इट्स ओके, वही देसी है सारा कुछ, बट ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है वही है, बट मुझे मज़ा नहीं आया मेरे को इसमें, सीरियसली सीरियस कॉमेंट्स है। अच्छा, स्टेक वगैरह मुझे तो टेस्टलेस लगा बिल्कुल, ओवरऑल देखा जाए तो मुझे थोड़ा टेस्ट की कमी लगी, अब लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कैसा टेस्ट मांगते हैं, बट आई पर्सनली फील कि मेन कोर्स में मुझे मज़ा नहीं आया। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? हाँ, मेन कोर्स जो है इनका कोई इतना खास नहीं है। और चलो अच्छा मज़ा है, बट मैं जब भी कह रही थी बहुत मज़े का है यमेश, बट मेन कोर्स में नो, आई डोंट रेकमेंड दिस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करके देखा हमने। फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो इट्स ओके, ये भी एक्सपीरियंस था हमारा। हाँ ये भी है, ठीक है चलो अपना ये डिनर तो फिनिश करो। ओके थैंक यू। ओके अगेन स्टार्टर चिकन स्ट्रिप्स, कितनी लग रही, क्या करूँ अब, यही खाना पड़ेगा मुझे। सही बात है, आ गई वापस स्टार्टर पे। हाँ ये तो है, चलो और फ्राइज, फ्राइज को खा के अंजाम दे दो। अरे कोई बात नहीं, लंच पे आके देखेंगे उसमें क्या मेन्यू है। लंच दोबारा आते कमेंट में बताएं इनको क्या कंटेंट बनाना चाहिए और किस लाइफस्टाइल, मतलब इनकी जो फैशन ब्लॉगिंग है उसको किस तरह और अच्छा कर सकते हैं और क्या टिप्स चाहिए, सो डू सपोर्ट हर एंड सब्सक्राइब हर चैनल। अच्छा जी, आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अब यहाँ से चलना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।